नमस्ते। सो अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ पावर्स और प्रिविलेजेस जो मेंबर्स को मिली हुई हैं हाउस ऑफ पीपल या काउंसिल ऑफ स्टेट्स के जो मेंबर्स होते हैं उनको, लोकसभा या राज्यसभा के जो भी मेंबर्स हैं उनको क्या क्या पावर्स हैं, क्या प्रिविलेजेस हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल नंबर 105 एंड 106, ये दो आर्टिकल जो हैं ये पावर्स एंड प्रिविलेजेस की बात करते हैं। और अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ 105 बात करता है पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ। क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस हैं उन लोगों को जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं और उनकी कमिटी के मेंबर हैं। तो आर्टिकल 105 बेसिकली बताता है कि उन सारे लोगों को जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जितने मेंबर हैं उनके पास अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, कि मतलब वो आर्टिकल 19 को यहाँ पे ध्यान रखना है उन्हें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनके पास लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जरूर लगे हुए हैं वहाँ पे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, आप अपनी बात रख सकते हैं लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर दें जो रेस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं वहाँ पे और आप उस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का ध्यान नहीं दे रहे, तो वो नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपको सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 19, यहाँ पे जरूर काम आने वाली बात है। तो जहाँ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 में बता रखे हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपके पास राइट टू स्पीक है। उसके बाद इसमें बता रखा है कि कोई भी बात जो हाउसेस के अंदर हो रही है उस पर कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होगी, कोई भी प्रोसीडिंग के लिए लायबल नहीं होगा कोई भी पर्सन जो उस हाउस के अंदर लोकसभा या राज्यसभा के अंदर कही गई है या फिर किसी भी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन या बिल के लिए जो वोट कास्ट किया गया है किसी के फेवर में या अगेंस्ट में, उस वोट कास्ट करने के लिए कोई प्रोसीडिंग, कोर्ट वाली प्रोसीडिंग नहीं लगेगी। उसके बाद कोई भी पर्सन लायबल नहीं होगा किसी भी पब्लिकेशन के जो रिपोर्ट है, पेपर है और प्रोसीडिंग है, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी प्रोसीडिंग या कोई भी वोट या कोई भी पेपर जो पब्लिश हुआ है हाउस ऑफ पार्लियामेंट से उसके लिए भी कोई पर्सन लायबल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पता रखा है कि राइट टू स्पीक जो है वो उन लोगों के पास भी है जिनके पास स्पेशल प्रोविजन है। जैसे हमने आर्टिकल नंबर 88 पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको आर्टिकल नंबर 76 के साथ 88 बताया था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास भी ये राइट है कि वो वहाँ पे राइट टू स्पीक है उनके पास, वही फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनके पास, उस सेशन में बैठने की उनके पास अनुमति है, वो बैठ सकते हैं, उनको कोई मना नहीं करेगा। तो ये जो फोर्थ क्लॉज है ये इसके बारे में बात करता है। और फिर इसमें एक बात ये करी है कि कोई भी पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज जो अलग देनी है वो पार्लियामेंट बाय लॉ बना सकती है, बता सकती है कि क्या क्या देना है, क्या नहीं देना। तो ये है आर्टिकल नंबर 105। 106 में बात करी है सैलरी की, पैसे की। तो सैलरी के लिए मैंने आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि सेकंड शेड्यूल जो है वो सैलरी की बात करता है। जितने भी लोगों की अभी तक अपन ने सैलरी की बात करी, प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ, अटॉर्नी जनरल है या फिर जो स्पीकर है और चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, डेप्यूटी स्पीकर है। अब मेंबर्स की सैलरी की बात है, तो मेंबर्स की सैलरी की बात यहाँ पे लिखी हुई है ये कि पार्लियामेंट बाय लॉ डिटरमाइन कर सकती है कि कितनी किसको सैलरी मिलेगी और डोमिनियन ऑफ इंडिया के टाइम से जो सैलरी मिल रही थी उसके हिसाब से वो एडजस्ट करती रहेगी। मतलब क्या है कि पार्लियामेंट अपना लॉ तो बना ही देगी और डोमिनियन ऑफ इंडिया मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया और जब हमारा संविधान लागू हुआ, इस बीच टाइम पीरियड में जो सैलरी मेंबर्स को दी जा रही थी, लोगों को दी जा रही थी, उस सैलरी को ध्यान में रखते हुए कि इतनी दी जा रही थी तो अब इतना इंक्रीज होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, क्या इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, क्या पावर मिलनी चाहिए। तो ये बेसिकली दो सेक्शन 105 एंड 106 ये हैं पावर, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज और सैलरीज के बारे में बात करते हैं। थैंक यू।